नमस्कार, मैं सतीश शर्मा जाफराबादी। आप देख रहे हैं रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ी एक और बड़ी खबर। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ठेका लेने वाली ज्यूरिख कंपनी और न्याल के बीच 17 अगस्त को अनुबंध नहीं हो पाया है। अब क्या करेगी यमुना प्राधिकरण, किस कंपनी को मिलेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का ठेका, देखें यह पूरी रिपोर्ट। जेवर में एयरपोर्ट बनाने वाली स्विस कंपनी ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड न्याल के बीच निर्धारित तिथि तक एयरपोर्ट के निर्माण का अनुबंध नहीं हो पाया है। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रतिबंधित होने के कारण ज्यूरिख कंपनी के अधिकारी भारत नहीं आ पा रहे। ज्यूरिख कंपनी और न्याल के बीच 17 अगस्त को अनुबंध की तिथि निर्धारित थी। इस अवधि तक न्याल और ज्यूरिख कंपनी के बीच अनुबंध नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि ज्यूरिख कंपनी इंटरेस्टेड नहीं है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण में कंपनी ने निर्माण से पहले एयरपोर्ट की भूमि पर सैंपलिंग और सर्वे का काम शुरू कर दिया है। रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल ने इस खबर को सबसे पहले आप तक पहुंचाया था। यमुना प्राधिकरण द्वारा भी एयरपोर्ट की जमीन की सेना के भूतपूर्व 40 जवानों द्वारा कड़ी सुरक्षा की जा रही है। एयरपोर्ट की भूमि के चप्पे चप्पे पर सेना के भूतपूर्व जवान मुस्तैदी से तैनात हैं। उधर स्विस कंपनी ज्यूरिख की 3 टीमों ने पिछले दिनों जमीन से मिट्टी की जांच, जीपीएस सर्वे और ड्रोन सर्वे का काम पूरा कर लिया है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में अब आगे की अपडेट ये है कि ज्यूरिख कंपनी और न्याल के बीच होने वाले अनुबंध की तिथि को 2 माह के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह के अनुसार अनुबंध की तिथि को 15 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। अब 15 अक्टूबर तक कभी भी न्याल और ज्यूरिख कंपनी के बीच एयरपोर्ट निर्माण के लिए अनुबंध हो सकता है। ये वीडियो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जमीन का है। इसी जमीन पर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट उड़ान भरने वाला है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम किसी भी तरीके से रुक नहीं पाए, इसके लिए यमुना प्राधिकरण ने एक और विकल्प तैयार कर दिया है। एयरपोर्ट निर्माण का ठेका भले ही ज्यूरिख कंपनी ने लिया है, पर ठेका लेने के दौरान दूसरे स्थान पर अडानी ग्रुप ने बोली लगाई थी। तीसरे स्थान पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का संचालन करने वाली कंपनी जीएमआर ने भी बोली लगाई थी। इन दोनों कंपनियों की बोली लगाने की वैधता तिथि को भी यमुना प्राधिकरण ने बढ़ा दिया है। 31 मार्च 2021 तक अडानी और जीएमआर की बोली की अवधि की वैधता बढ़ा दी गई है। यदि किसी कारणवश ज्यूरिख कंपनी एयरपोर्ट निर्माण से पीछे हटती है या कंपनी ठेका प्रक्रिया पूरी करने में नाकाम रहती है तो फिर क्रम से दूसरे और तीसरे स्थान पर बोली लगाने वाली कंपनियों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का मौका दिया जाएगा। दूसरा स्थान अडानी ग्रुप का है। ज्यूरिख के बाद अडानी ग्रुप को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण का जिम्मा मिल सकता है। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर क्षेत्र और जनपद गौतम बुद्ध नगर का ही नहीं, उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार किसी भी कीमत पर जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कराना चाहते हैं। यमुना प्राधिकरण भी एयरपोर्ट निर्माण में कोई बाधा न आए पूरी तैयारी इसके लिए कर रहा है। यह यमुना प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाया है। पहले ठेका जिन कंपनी को मिला था, यदि वह कंपनी निर्माण कार्य करने या अनुबंध प्रक्रिया में नाकाम रहती है तो 2 अन्य भारतीय कंपनियों को जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जिम्मेदारी मिल सकती है इसका निर्माण करने के लिए। आप देख रहे थे रन फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल, सतीश शर्मा जाफराबादी के साथ। हमारी अगली विशेष खबर, बामहन चौकट की हवेली की दहलीज पर बनेगा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला रनवे, देखना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, पुश द बेल आइकन एंड शेयर विद फ्रेंड्स। थैंक्स।